हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला अरबी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगी और बहुत ही इजी तरीके से बनने वाली है, और साथ में होगी मसाला मिर्ची। तो चलिए पहले इन्हें बना लेते हैं। ये छोटे साइज़ की मैंने अरबी उबाल के छील ली हैं। यहाँ 4 से 5 मिर्चें ली हैं, इसमें कट लगा लिया है। थोड़े बेसिक मसाले लेने हैं, इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, अमचूर, स्वाद अनुसार नमक, 2 टीस्पून यहाँ मैं दही लूँगी। बस दही इतना लेना है, ये मसाला आसानी से मिक्स हो जाए। जो इन मिर्चों में कट लगाया है, इस मसाले को अच्छे से इसमें भरना है। सारी मिर्चों को बहुत अच्छे से भर लेते हैं पहले। अब हम यहाँ एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 2 टीस्पून सरसों का तेल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो भी आप खाते हो। इसमें जीरा, हींग, थोड़ा अजवाइन लूँगी, 2 टीस्पून यहाँ बेसन लूँगी, और बेसन को सुनहरा होने तक हमें भूनना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का हल्का सा इसमें खुशबू आने लगे बस इतना ही भूनना है। अब जो मिर्चें हमने भरी थी मसाले की, वो इसे यहाँ ऐड कर देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, और इसे भी मिक्स करते हुए थोड़ा भून लेते हैं। ये मिर्चें भी बहुत ही टेस्टी बनती हैं। इसमें आप इस तरीके से किसी भी सब्ज़ी में मिर्च अपना तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी। जो मिर्चों का मसाला बच गया था, उस मसाले को हम यहाँ ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा और कोई मसाला हमें नहीं ऐड करना है। और इसे भी मिला के भून लेते हैं। जब ये थोड़ा इकट्ठा होने लगे, अच्छे से ऑयल छोड़ने लगे, तब हम इसमें 2 टीस्पून दही ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा दही नहीं ऐड करनी है, क्योंकि हमने अमचूर भी डाला हुआ है इसमें मसाले में, तो थोड़ा ही दही डालना है, और दही बिल्कुल फ्रेश डालनी है। और इसे जब तक भूनेंगे, जब तक ऑयल हमारा बिल्कुल अलग ना होने लगे, इन अरवियों को यहाँ ऐड करेंगे। काला नमक ऐड करेंगे, सफ़ेद नमक हमने मसाले में ऐड किया हुआ था, तो इसलिए काला नमक ही यहाँ ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से 2 मिनट केवल भून लेना है हमें। आप यहाँ देखिए, 2 तरीके से बना सकते हैं। यहाँ मैंने उबली हुई अरवी ऐड की हैं, आप अरवियों को डीप फ्राई करके भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, तो वो सब्ज़ी थोड़ी हैवी हो जाती है। तो आपको कितना हैवी सब्ज़ी खानी है, अपने अकॉर्डिंग आप इसे फ्राई करके भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, या उबली हुई अरवी को यहाँ ऐड कर सकते हैं। मिर्चों को हम अलग निकाल लेंगे, क्योंकि मिर्ची हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ये मिर्चें बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती हैं, इन्हें साइड में रख लेते हैं। अब मैं यहाँ 1/2 गिलास पानी ऐड करूँगी, और इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि उबली हुई अरवी हैं, अरवी फूटनी नहीं चाहिए, हल्के हाथ से ही इसे मिक्स करना है।
ताकि बेसन पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पकाएंगे ताकि हल्दी का कलर भी चढ़ जाए और ये पक के बिल्कुल फर्स्ट क्लास से तैयार हो जाएं। जब ये पक जाए तो इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी ग्रेवी देखिए, बिल्कुल एकदम गाढ़ी और बहुत ही फर्स्ट क्लास ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। ये देखिए बहुत ही मतलब इसे पानी के हाथ की रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे मर्जी आप इसको खा सकते हैं। और ये जो मसाला वाली हमने मिर्ची बनाई हैं ये आप किसी भी सब्ज़ी के साथ बना सकते हैं। आप एक्स्ट्रा में कुछ ज़्यादा मिर्ची भी इस तरीके से किसी भी मसाले में बना के और रख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ग्रेवी में ये बिल्कुल लिपटी हुई है और बहुत ज़्यादा हमने बेसन नहीं डाला है और इसमें बेसन का जो फ्लेवर आता है बहुत ही टेस्टी आता है। तो यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।